आज मेरा मन उदास है। एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। कोई दुख भी नहीं है, लेकिन फिर भी दुखी हो रही हूँ। और कभी-कभी आपकी भी लाइफ में ऐसा समय, ऐसा टाइम जरूर आता होगा कि आप भी मेरे जैसी हालत होती होगी। तो आज फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज अपने प्यो के चरणों में सोऊंगी। जब से मैंने ये रूम बनाया हुआ है, तो एक भी दिन इनके रूम में नहीं सोई। बल्कि जब मैंने ये रूम बनाया था, तो मैं हमेशा ये कहती थी कि मेरे प्यो, जब भी मैं कभी थोड़ी अकेलापन फील करूँगी, जब दुखी होंगी, तो आपके चरणों में सोऊंगी। पर आज तक कभी मौका ही नहीं मिला। तो शायद आज मेरा प्यो चाहता है कि आज मैं उनके चरणों में सोऊँ, तो इसीलिए मैं आ गई हूँ। रात का 1:30 बज रहा है, तो यहीं पे बैठ के आज मैंने वीडियो की एडिटिंग भी की, और यहीं पे आज मैं सोऊंगी। और माँ की लाइट भी मैंने बुझा दी है, और ये लाल बल्ब छोटू वाला जला दिया है, ये लाइट भी मैं बंद कर दूंगी। और आज की जो रात है, अपने प्यो के साथ मैं गुजारूंगी उनके चरणों में। और जो भी उसका एक्सपीरियंस होएगा, वो मैं आपके साथ सुबह शेयर करूंगी। डर डर भी लगता है, क्योंकि ये शक्तियां हैं। जब जरा सा कोई साया दिखेगा, जब कुछ हिलता दिखेगा, तो एक अलग सा डर लगेगा। लेकिन इंसानों से ज़्यादा डर लगने लगा है संगत जी, पता नहीं क्यों। ये कैसा दौर है, ये कैसा टाइम है। हम सब अपना समय ईश्वर के संग बिताना चाहते हैं, ईश्वर के करीब रहना चाहते हैं। किसी से भी अब इच्छा नहीं होती कि हम अपने मन की बात करें, अपनी दुख तकलीफ़ें उनसे कहें। बस मन करता है कि अगर ये हैं हमारे पास, तो इन्हीं से हम अपनी दुख तकलीफ़ें शेयर करते हैं ना। दूसरा तो हमारा मजाक उड़ाएगा, भले ही वो खुद कितना परेशान क्यों ना हो, लेकिन ये प्यो कभी भी मजाक नहीं उड़ाएगा। तो आज मैं सोऊंगी यहाँ पे। आज है 9 सितंबर, और आज की रात मैं एक यादगार रात बनाना चाहती हूँ। मैं वो एक्सपीरियंस गेन करना चाहती हूँ कि इन शक्तियों के कमरे में कैसे सोया जाए। तो शक्ति जी, मेरे प्यो जी, मुझे वो हिम्मत देना कि मैं यहाँ आज रात गुजार सकूं, क्योंकि एक डर भी लग रहा है। बहुत बार एक ऐसे लगता है कोई गया, कोई आया, शैडो से भी फील होती है, कुछ गिरता भी है, और जब पिन ड्रॉप साइलेंट होता है ना, बड़ा डर लगता है। लेकिन फिर भी आज जो मर्जी हो जाए, आज मैं यहाँ सोना चाहती हूँ, रात गुजारना चाहती हूँ। और ये मेरी आंखों में भी आपको स्वेलिंग स्वेलिंग से दिख रही होगी, तो हल्का सा मैं आज प्यो के साथ गिले शिकवे दूर कर रही थी। रो लिया था थोड़ा सा, जरूरी था, नहीं तो शायद घुटन होती अंदर। अब आप ये वीडियो देख के कमेंट्स मत करने लगना कि आंटी जी आपको कौन सी परेशानी है, कौन सा दुख है। तो इनके आशीर्वाद से, इनकी कृपा से ऐसा कोई दुख तकलीफ नहीं है। बस हाँ, कभी कभार हर एक की लाइफ में ऐसा होता है कि हर एक को मेरी तरह फील होता है। शायद ये रब चाहता है कि आज मैं यहाँ सोऊँ, इनके साथ रात गुजारूँ, इनका आशीर्वाद लूँ, इनकी ब्लेसिंग्स लूँ। जो भी मेरे शारीरिक कष्ट है, या जो भी मेरी तकलीफें हैं, वो ये शायद दूर करना चाहते हैं। और शायद मैं थोड़ी अंदर से अगर खुश होती, तो मैं कभी भी ना आती यहाँ सोने। दुखी हूँ अंदर से, तो शायद तभी आई हूँ। और दुख भी पूछा जाए तो समझ नहीं आता, क्या बताऊँ। वैसा कोई दुख नहीं है, आपको जो सोचना सोचिए। लेकिन मैं एक एक अपना एक एक्सपीरियंस गेन करना चाहती हूँ कि शक्तियों का क्या हम सामना कर सकते हैं, क्या हमें शक्तियाँ दिखती हैं रात को सोने पे, क्या हमें डर लगता है। बस एक अपने अंदर का एक डर मैं दूर करना चाहती हूँ। कुछ हुआ, देखा आपने, मैं नहीं डरूंगी पापा, नहीं डरूंगी, जो मर्जी कर लो। पता है क्या हुआ है, मैं अभी आपको बताती हूँ। वो देखिए, वो ऊपर जो बल्ब है, वो अपने आप जगना और बंद हो रहा था, जग रहा था, बंद हो रहा था, जग रहा था, बंद हो रहा था। और अब मैं सामने करूंगी तो नहीं होगा, अब नहीं होगा जब मैं सामने करूंगी।
अभी 2-3 बार हुआ है, बुझा है, जला है, शायद आपने नोटिस किया होगा, इसमें रिफ्लेक्शन आई होगी। तो एक ही लाइट ये जल रही है और एक यहाँ जल रही है, ये वाले में बंद कर दूँगी। वो देखो, मैं देखो, वो देखो फिर से जला, वो देखो, ये देखो, मुझे डराने की कोशिश की जा रही है संगत जी। ये देखिए, नहीं जाऊंगी मैं यहीं सोऊंगी आज, जो मर्जी कर लो आप। देखा किस तरह मेरे पापा मुझे डरा रहे हैं। ये देखिए संगत जी, मैं बैक करती हूँ फिर से कैमरा। यहाँ से बैक करती हूँ। बंद बुझ हो रहा है, मुझे डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नहीं डरूंगी मेरे प्यो, यही सोऊंगी आज आपके चरणों में, जो मर्जी कर लो आप, जो मर्जी कर लो आज मैं यही सोऊंगी, मुझे डराना नामुमकिन, आपका व्यर्थ जाएगा। मैं तो दो ही चीज़ें आपसे सदा मांगती आई हूँ, चाहे मारो चाहे तारो। तो आप सोच लीजिएगा आज आपको क्या करना है मेरे साथ। ये देखिए, ये लाइट जल रही है और ये बल्ब मैंने बंद किया हुआ है, फिर भी जल बुझ रहा है, जल बुझ रहा है, जल बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है। ये मुझे डराने की साजिश की जा रही है मेरे प्रभु के द्वारा। नहीं डरूंगी मैं ईश्वर। ओए, ये बॉटलें कैसे गिर गई? ये तो ऐसे खड़ी हुई थी और उसमें तेल है, भरी हुई बॉटल है संगत जी। ये देखिए, इसमें जोत वाला तेल है, पूरी बॉटल भरी हुई है अंदर से। ये देखिए, मैं इसको खोल के भी कैसे दिखाऊं। मैं आधा घंटे घंटे भर से यहाँ बैठी हुई हूँ तो ये बॉटल नहीं गिरी है। तो जैसे ही मैं लेटी हूँ उससे कुछ देर बाद ये बॉटल ऐसे डम करके गिर गई है। साजिश रच रहे हैं मेरे प्रभु, साजिश है मुझे भगाने के लिए। नहीं भागूंगी मैं, देखा कैसे डरा रहे हैं, और मैं नहीं डरूंगी। आज मैंने ठान लिया है यहीं सोना है तो यहीं सोना है। इसी के लिए मैंने यहाँ पे एक दरी बिछा दी है, यहाँ पंखा चल रहा है और यहाँ एसी नहीं है भगवान वाले कमरे में। और ये मैं अपना पिल्लो भी ले आई हूँ मोर पंख वाला। ये है मेरी बेडशीट यानी कि मेरा दुपट्टा। और आज मैं वो एक्सपीरियंस गेन करूँगी और ख़ुद को लक्की मानूँगी कि मैं गुरु चरणों में सो रही हूँ। क्योंकि जब स्टार्टिंग में ये रूम बनाया था तो मैंने इनसे कहा था कि जब मैं दुखी होऊंगी पापा, मैं आपके कमरे में सोया करूंगी आपके चरणों में। तो दुखी नहीं हूँ, बस आज शायद इनका वो इम्तिहान है मेरे से कि ये सोती है यहाँ की नहीं, इसलिए मुझे डराने की भी साजिशें करे जा रहे हैं। अभी भी बल्ब जल रहा है, बुझ रहा है, लेकिन मैं सोऊंगी। तो मैं सोती हूँ, आप सबको शुभ रात्रि, और जो भी एक्सपीरियंस होगा मेरा रात भर का सुबह आपसे पक्का पक्का शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बार बार कहती हूँ कि मत सोचेगा कि अनु आंटी को पता नहीं कौन सी तकलीफ आ गई है, तो गुरु जी महाराज जी की कृपा से ऐसा कोई दुख तकलीफ नहीं है। गुड मॉर्निंग जमा दादी, जय गुरु जी। और जो भी मेरे साथ हुआ रात को तो वो सभी मैं थोड़ी देर में वीडियो में बना के आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी भी मेरी आंखें घुट रही हैं क्योंकि मेरी नींद पूरी तरह पूरी नहीं हुई है, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब कुछ आपके साथ साझा किया जाएगा। जय गुरु जी।